सो गाइस फाइनली BGMI पबजी मोबाइल या फिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल एरिना में एक ब्रांड न्यू इवेंट आ चुका है। एंड यार ये इवेंट आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यार इसमें आपको बिल्कुल फ्री में मिथिक आउटफिट्स, बिल्कुल फ्री में मिथिक इमोट्स एंड यार साथ ही साथ आपको ढेर सारे लीजेंडरी आइटम्स, लीजेंडरी स्किन्स एंड साथ ही साथ M416 गन की भी स्किन देखने को मिल रही है। तो गाइस आप इस इवेंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इसमें क्या रूल्स हैं, आपको कौन से मोड्स खेलना है एंड कैसे आप इसे काफ़ी इजिली कंप्लीट कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आज की इस वीडियो को इन तक देखते रहना और यार सीधा शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही आप गेम खोलोगे यार आपको सिंपली यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आइलैंड डिस्कवरी देखने को मिल जाएगा। अब ये आप यहाँ से ऐसे स्वाइप करके भी देख सकते हो, बट जैसा कि आप यहाँ पे पहले पे देख सकते हो अपने पास आइलैंड डिस्कवरी इवेंट आ चुका है, ठीक है। तो अभी यार आओ फटाफट से समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार जैसा कि आप देख सकते हो आपको ये इवेंट जो है वो बेसिकली कुछ लेवल्स में देखने को मिलेंगे या फिर आप चैप्टर्स कह सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड ऐसे ही ये लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल 1 के रिवॉर्ड्स अलग हैं, लेवल 2 के अलग हैं, लेवल 3 के अलग हैं, लेवल 4, 5, 6, 7 ऐसे ही, यानी कि हर एक लेवल पे आपको हर एक यूनिक रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो लेवल 1 पे अपने पास जो रिवॉर्ड्स था वो मैंने काफ़ी इसलिए यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक M4 की स्किन एंड यार एक आउटफिट देखने को मिल रहा था। खैर अब लेवल 2 पे जो था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। यार लेवल 3 जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना रिवॉर्ड है, ठीक है। अभी इसको अगर इस इमोट को देख लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिवॉर्ड ये देखने में लग रहा है। खैर गाइस यार अभी फटाफट से बात कर लेते हैं कि इसे हम कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। कंप्लीट करने से पहले देख लेते हैं इसमें रिवॉर्ड अपने पास क्या है, ठीक है, क्योंकि देखो रिवॉर्ड अच्छे रहेंगे तभी हम लोग कोई भी मिशन करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको एक बैकपैक देखने को मिलेगा एंड यार जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बैकपैक है, उसके बाद एक आपको आउटफिट देखने को मिलेगा, एक ग्लेशियर की स्किन देखने को मिलेगी जैसा कि आप देख सकते हो एंड यहाँ पे आपको एक और दूसरा आउटफिट देखने को मिलेगा, उसके बाद एक कमाल की मौली की स्किन, भाई क्या ही लग रहा है मौली। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे एक ऐसा देखने को मिलेगा एंड काफ़ी मिथिक आउटफिट्स हैं एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया इमोट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एंड जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो गाइस यही कुछ रिवॉर्ड्स है, बट देखो यार अगर आप इस इवेंट को करते हो तो आपको ये रिवॉर्ड्स परमानेंट के लिए नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको ये रिवॉर्ड्स पसंद आ गए हैं, अगर आपको ये परमानेंट चाहिए तो आपको कुछ UC देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो अगर मुझे ये ग्रेनेड की स्किन परमानेंट चाहिए तो मुझे 300 UC देना पड़ेगा। सर इट इज़ वेरी क्लियरली आपको बता देता हूँ कि देखो इस मिशन को अगर आप करोगे, यानी कि ये जो नया इवेंट आइलैंड डिस्कवरी आया है इसको करोगे तो इसमें आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, आउटफिट्स जो मिलेंगे आपको, आउटफिट्स मिलेंगे या फिर जो भी गन की स्किन्स मिलेंगी, मौली की स्किन मिलेगी, ग्रेनेड की स्किन मिलेगी, वो सब परमानेंट नहीं है। बट जो आपको ये इमोट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इमोट बिल्कुल परमानेंट है। बट इसमें आपको एक प्रॉब्लम होगी कि इसे आप लॉबी में नहीं कर पाओगे, इसे आप सिर्फ और सिर्फ चीयर पार्क में और स्पॉम आइलैंड पे कर पाओगे। स्पॉम आइलैंड पे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आएगा और चीयर पार्क में कर पाओगे तो यार काफ़ी बढ़िया, वैसे काफ़ी अच्छा एंड मिथिक इमोट है। तो यार मेक श्योर आप इसे ज़रूर से कलेक्ट करें। जैसा कि आप दूसरा इमोट भी देख सकते हो कैसा कमाल का इमोट दिया है, तो यार इस आइलैंड डिस्कवरी इवेंट को ज़रूर से करना। खैर यार ये तो रहा अपना रिवॉर्ड्स, अभी फटाफट से बात कर लेते हैं कि अपन इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। तो यार कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे स्कोर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको पहला रूल देखने को मिलेगा कि इस मिशन यानी कि ये जो नया इवेंट आया है इसे कम्प्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिक मैचेस खेलने हैं। अब जैसे जैसे आप क्लासिक मैचेस खेलोगे आपको कुछ एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स जैसा कि आप देख सकते हो देखने को मिलेगा। अब उस एक्सप्लोरेशन पॉइंट से क्या होगा, आप देखो ध्यान से देखना, ये जो लेवल 1 है और ये जो लेवल 2 है, ठीक है, इनके बीच में आपको 100 एक्सप्लोरेशन पॉइंट चाहिए। सिमिलरली लेवल 2 और लेवल 3 के बीच में भी आपको 100 चाहिए एंड सिमिलरली लेवल 3 यानी कि जितने भी लेवल हैं उन दोनों लेवल के बीच में आपको 100 एक्सप्लोरेशन पॉइंट चाहिए। अगर आपको 100 मिल जाता है तो आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। तो यार आपको एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स लेने के लिए करना कुछ नहीं है, सिंपली क्लासिक खेलना है, ठीक है। अब ये जो नया इवेंट थीम मोड आया है जिसका नाम मिरर वर्ल्ड है वो भी क्लासिक में ही आता है तो आप उसे भी खेल सकते हो। खैर यार अगर मान लो आपको ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स चाहिए तो इसके लिए आपको ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ आपको ज़्यादा डैमेज डील करना पड़ेगा, ज़्यादा किल करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप इसे एक टिप समझ सकते हो जैसे कि आप काफ़ी इजीली अपने एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स को बढ़ा पाओगे। एंड यार बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर खेलोगे, दिन भर खेलते जाओगे और आपको एक्सप्लोरेशन पॉइंट मिलता जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही एक्सप्लोरेशन पॉइंट मिलेगा, उसके बाद आप खेलोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में आप एक लिमिटेड टाइम पे ही सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो।
खैर गाइस बात करते हैं चौथे की। तो यार देखो इसमें कुछ रिवॉर्ड्स जैसे कि ये आउटफिट हो गया, ये आउटफिट हो गया, ठीक है। ये सारे आउटफिट जो है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप इन्हें परमानेंट लेना चाहते हो तो आप इसे काफ़ी इजीली परचेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक नाउ, मैं जैसे ही उसी दूंगा मेरा अनलॉक हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपको परमानेंट नहीं मिल रही है वो आप यूसी लगा के परमानेंट ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी कम यूसी लगाना पड़ेगा एंड काफ़ी ज़्यादा मिथिक आउटफिट है तो आप चाहो तो लगा सकते हो। खैर ये जो इमोट्स हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल परमानेंट मिल रहा है, जिससे कि आप लॉबी में और जिसे कि आप सॉरी लॉबी में नहीं यूज़ कर सकते, स्पॉम आइलैंड पे और यहाँ पे चीयर पार्क में यूज़ कर पाओगे। खैर गाइस बात करते हैं इवेंट्स के रूल्स क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, आपको क्या है कि मैचेस को कंप्लीट करने क्लासिक मोड में एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स मिलते जाएगा आपको ये सारे लेवल्स पार करते जाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे 100 मिल जाएगा तो मैं यहाँ से सीधे यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर 100 मिलेगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे आपको ये पाथ कवर करते रहना है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन पॉइंट आपको कलेक्ट करते रहना है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल की। तो खैर क्या है कि मैंने जैसा आपको बताया कि आप इन सबको अपग्रेड कर सकते हो यूसी लगा के, तो वही है अपना थर्ड रूल। एंड बात करते हैं फोर्थ रूल की। तो यार उसमें लिखा है कि आपको इसे कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप मिशन क्लासिक मोड को खेलते रहो एंड जैसे ही ये इवेंट एंड होगा ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, ठीक है, ये टाइम दिखा रहा है कि इवेंट कब तक चलेगा। तो ये 23/11 यानी कल से 3/1 यानी कि 3 जनवरी 2022 तक ये इवेंट चलने वाला है। काफ़ी इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हो एंड मेक श्योर आप इसे कंप्लीट करके रिवॉर्ड्स जरूर से कलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे ढेर सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। लिटरली गाइस अमेजिंग रिवॉर्ड है, एकदम बिल्कुल मिथिक आउटफिट्स है। तो मेक श्योर इसे कलेक्ट कर लेना। बाकी यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। खैर यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ यहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं। अब तो खैर आई नो वीडियो काफ़ी लंबी है बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो मेक श्योर यार वीडियो को ध्यान से देख लेना एंड इस मिशन को करना। मिलता हूँ आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। बाय बाय। दोनों मर्ज हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो क्लाइम वाला गायब हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अगला जो है वो मर्जिंग क्राउच एंड लेग प्रोन। ये क्या है, मैं अगर इनेबल कर देता हूँ, ध्यान से देखना, इनेबल कर दिया, क्राउच बटन पे एक बार क्लिक करूंगा बैठ जाएगा, वही क्राउच बटन पे अगर इसे आप हमेशा डिसेबल रखना यार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। क्विक थ्रो फीचर क्या है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो वो भी बता ही देता हूँ। क्विक थ्रो फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। क्विक थ्रो फीचर अगर इनेबल रहेगा तो काफ़ी इजली आप इधर यहाँ पे क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके स्वाइप करके कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड काफ़ी इजली ऐसे आप थ्रो कर सकते हो। और अगर बात करते हैं अगले के बारे में जो कि है कौन सेव्ड थ्रोइंग एरिया फीचर। तो अगर आप थ्रो पे रखते हो तो क्या होगा, देखो मेरे पास अभी कोई कंज्यूमेबल है नहीं तो मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं होगा ऐसे, मतलब यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके किसी ग्रेड